लाल किताब के चमत्कारी उपाय जिनके द्वारा आप सभी ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एंड वास्तु टिप्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है। कुछ ग्रह अच्छे तो कुछ ग्रह बाधक होते हैं, यानी कि जो ग्रह आपकी प्रगति में रुकावट डालती हैं, वे ग्रह बाधक होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप इन ग्रहों से संबंधित उपाय करते हैं तो आपके ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं ग्रहों से संबंधित लाल किताब के आसान और चमत्कारी उपायों के बारे में। दोस्तों, इन उपायों को बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आइए जानते हैं लाल किताब के अनुसार ग्रहों से संबंधित सटीक और चमत्कारी उपायों के बारे में। सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह के लिए आप घर से बाहर निकलने से पूर्व मीठा खाकर थोड़ा सा पानी पी लें और बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें और पिता या पिता के समान व्यक्ति का सम्मान करें। चंद्रग्रह। दूध या पानी से भरा बर्तन रात को सिरहाने में रखें और सुबह इसे बबूल के पेड़ में डाल दें और प्रतिदिन माता के पैर अवश्य ही छुएं। मंगल ग्रह। मंगल यदि अशुभ हो तो मिठाई या मीठा भोजन का दान करें और बतासे को बहते जल में प्रवाहित करें। बुध। सिक्के के बराबर तांबे के पत्तल में छेद करके उसे बहते जल में प्रवाहित करें। माता दुर्गा की आराधना करें। बेटी, बहन, बुआ और साली से अच्छे संबंध रखें और वादों को निभाएं। बृहस्पति। दादा और गुरु का आदर करना न भूलें। घर में धूप दीप देते रहें और केसर को नाभि पर लगाएं। आचरण को शुद्ध रखें। शुक्र। दो मोती लेकर उनमें से एक मोती को आप जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे मोती को आप सदा अपने पास रखें। स्वयं को साफ सुथरा रखें और हमेशा स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें। सुगंधित इत्र या सेंट का प्रतिदिन प्रयोग करें। पत्नी का ध्यान रखें और उसका कभी भी अपमान न करें और भोजन का कुछ हिस्सा कौवे और कुत्तों को दें। शनि ग्रह। छाया दान करें, अर्थात कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में रखाएं। दांतों को साफ रखें। सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। काका मामा का सम्मान और ख्याल रखें। साथ ही भैरव की उपासना करें। राहु। बिना पत्तों वाले मूली का दान करें और मूली को रात को सिरहाने में रखकर सोएं और सुबह उसे किसी मंदिर में दान कर दें। किचन में बैठकर भोजन करें और ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रखें। केतु। आपकी संतानें केतु हैं, इसलिए संतानों से संबंध अच्छे रखें और दो रंग वाले कुत्तों को रोटी खिलाएं और कान छिदवाएं। दोस्तों, अब इन उपायों को से संबंधित कुछ खास बातें इस प्रकार है। इन सभी उपायों को आप दिन के समय में ही करें और एक उपाय को 43 दिन तक लगातार करना है। इस प्रकार आप ग्रहों से संबंधित उपायों को करके उस ग्रह के दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।